गांडे जी आए हैं हेलो, जी, बोलिए 1.5 घंटे इंतजार क्यों करा था? अच्छा, भैया। और भी लोगों को लेना होता है ना, जो नए नए लोग हैं उनको लूंगी। आप आज वो क्या कहते हैं, लोंडियों पे बात हो रही थी, आज न्यूयॉर्क पे बात चलिए नहीं मैं आपको ना फनी बात बताता हूँ। इंडिया की केरल का मौलवी है, जानते हो ना, केरल इंडिया का स्टेट है, साउथ में, वहां का मौलवी है। उसने बोला कि आप आदमी सेक्स करने से पहले बिस्मिल जानते हो ना क्या चीज कहते हैं? बिस्मिल्ला हाँ बिस्मिल्ला। वही, हाँ बिस्मिल्लाह। अगर हाँ वो चीज ना कहे ना तो उसके नुन्नू के अंदर शैतान घुस जाएगा। वो चीज कहता है उसने। हाँ चलो कोई बात नहीं, वही तो मैं कह रही हूँ, रिलीजियस थिंग्स। ये चीज कहता पे बहुत हंसी है कि कहाँ कहाँ शैतान घुस जाता है। नरेंद्र गांधी जी, आप भी बिस्मिल्ला पढ़ लेना भैया, कोई पता नहीं शैतान ना घुस जाए आपके अंदर। न्यूज में सुना था, न्यूज में आया था, आर्टिकल छपा था कि केरल मौलवी है सिर्फ सेक्स आप बिफोर बिस्मिल सेइंग बन, जो जो आपने जानते हो पिक्स इन डीमन, जो भी आप कह सकते हो। हॉप इंडिया में छपी, हॉप इंडिया में एक बार पढ़ लेना। बोला कैसे कैसे अजीब अजीब से तो ये बोलते रहते हैं। अच्छा एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर कोई आदमी जिसके बीवी बच्चे हो और वो ना ये चीज कह रहे हो कि मैं ना हमेशा के लिए घर छोड़ना पड़ेगा क्योंकि मैं ना दुनिया के लिए ना अच्छा काम कर रहा हूँ, लेकिन वो जाके ना किसी प्रोस्टिट्यूट के साथ मतलब सेक्स करे, तो वो कैसा आदमी होगा? एक चीज मैं ना पूछना चाहता हूँ कि एक आदमी जिसके बीवी है वो मतलब प्रेग्नेंट भी है, मतलब कि उसकी बीवी है, तो वो ना घर छोड़ दे और बोल दे कि मैं अच्छा काम करने जा रहा हूँ और जाके किसी प्रोस्टिट्यूट के साथ सेक्स करे, तो उस आदमी को क्या चीज बोलोगे? कैसा आदमी होगा ये? पर ऑब्वियसली हम ऐसे मर्द को अच्छा तो नहीं समझेंगे भाई। किसी को भी धोखा देना, किसी से भी झूठ बोलना, और स्पेशली आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, तो दैट इज अ रॉन्ग थिंग, वो गलत चीज है। ये प्रोस्टिट्यूट ऐसा के एक पास जाना, एक सेकेंड, प्रोस्टिट्यूट के पास जाना कोई बुरी चीज नहीं है, ठीक है ना। इससे बेहतर कि आप जाके किसी लड़की को साथ जबरदस्ती जिनसी ज्यादती करें, इससे बेहतर है कि आप प्रोस्टिट्यूट के पास चले जाओ और अपना आपको फारिग करके आ जाओ, ठीक है ना। मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रोस्टिट्यूट सिर्फ इसीलिए नहीं है, बहुत सारी चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है उन लड़कियों को, और हमेशा वो लड़कियां जो है प्रोस्टिट्यूट बनना नहीं चाहती हैं, चंद लोगों को पुश किया जाता है उस पर। खैर, दैट्स अनदर टॉपिक। अगर बंदे को, लेट्स से कि अगर बंदा एक रिलेशनशिप में है और उसकी बीवी उसके साथ सेक्स नहीं कर रही है, और बिल्कुल ही नहीं कर रही है, एंड सो देन या तो आप बात करो बैठकर, ठीक है, और फिर वो रिलेशनशिप में से या तो आप निकल जाओ, ठीक। वरना ये जाके चीट करना, फिर बंदी को पता चलता है, दैट इज वर्स आई थिंक, चाहे वो बंदी करे या बंदा करे। आई थिंक कि वो चीज अगर आप वहीं पे ओपन आउट करके बता दो कि भाई दिस एंड दिस इज व्हाट्स हैपनिंग, तो फिर, मगर मर्द करते हैं, बहुत सारे मर्द चीट करते हैं, औरतें भी करती हैं चीट, दे जी डू इट। ऐसा हुआ था आज से 2500 साल पहले, जिसमें कहते हैं महात्मा बुद्ध ने ऐसा किया था और वो उस पर पिक्चर भी बनी थी। आप जानते हो उस पिक्चर का नाम है सिद्धार्थ, शशि थरूर आप जानते हो ना, शशि नहीं शशि कपूर, आप उसका नाम जानते होगे। उसने उस पर एक्टिंग की है, उस पिक्चर को जरूर देखना तो पता चला कि महात्मा बुद्ध ने अपनी वाइफ को ना चीट किया था। असल में वो ना कहते संन्यास के लिए, लेकिन उसने प्रेस्टिट्यूट के साथ। तो ये भी एक कहा देखो जाता है कि ये जैनित बहुत पहले से है चीट करना है। नरेंद्र जी, मैं आपको बताती हूँ ये बात, ये जो मल्टीपल वाइव्स और औरतें और ये सारी चीजें क्यों है। मर्द और औरत का साथ रहना, किसी का भी, राइट, फॉर एवर एक ही सेक्सुअल पार्टनर रखना, ये बहुत, मैं कहती हूँ ये बहुत इम्पॉसिबल चीज है, ठीक है। पुराने जमाने में भी अगर आप उठा लो, ठीक है, मर्द के पास ये ऑप्शन रही है कि वो मल्टीपल पार्टनर्स रख सकता था, औरत के पास इतनी नहीं होती थी, मगर फिर भी मैं समझती हूँ कि औरतें फिर भी चीट करती होंगी, ठीक है ना। अपने हिसाब से ये सेक्स चीज जो है हमेशा से रही है। बहुत कम लोग थे ऐसे जो वाकई में जेन्युइनली एक दूसरे के साथ रहे हैं और रहते हैं, मैं नहीं कह रही कि नहीं रहते, रहते हैं, एंड देन दे लव ईच अदर, एंड देन दे डोंट गो एंड स्लीप अराउंड, दे डोंट मेस अराउंड, ऐसे भी कपल्स हैं। मगर पुराने जमाने से लेकर अभी तक, तो आप देखो, मर्द को हमेशा इजाजत दी, और हमेशा मर्द के बारे में ये कहा जाता है कि मर्द एक के साथ कुछ नहीं रह सकता, मर्द को ज्यादा जरूरत है, यू नो, औरत की। तो देयर इज ऑलवेज बीन मल्टीपल पार्टनर्स फॉर मर्द, और बहुत सारी औरतें तो ऐसी होती नहीं बैक होम इन पाकिस्तान जो कहते थे यार मर्द की फितरत में है ना, जाने दो, अगर कोई चीट भी कर लेता था।
जाने दो, ये तो मर्द की फितरत जी है। जी तो जी 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 ये चीजें कि हमें एक्सेप्ट करना है, यू नो, कि हाँ नहीं, मर्द है तो उसको मल्टीपल वुमेन चाहिए, व्हाटएवर, यू नो, इफ इट डजंट वर्क आउट, व्हाटएवर। मैं वही कह रही हूँ ना कि अगर आप बहुत ही ऐसी अच्छी रिलेशनशिप में हो, आप बहुत ही अपने आप को प्यार करते हो, आपको ऐसा पार्टनर मिल गया है कि यू कैन बी टुगेदर फॉर एवर, यू आर लकी। मगर बहुत सारी मैरिजेस में, बहुत सारी रिलेशनशिप्स में ये होता है कि आपका एट द एंड ऑफ द डे सेक्स बोरिंग हो जाता है। इट इज बाउंड टू हैपन। आप उसको कैसे स्पार्क रखते हो, इट्स ऑल अप टू यू। और फिर यू मूव ऑन, इधर डिवोर्स हो जाती है या लोग ब्रेकअप कर लेते हैं। वो डिवोर्स हो जाती है तो लोग, क्योंकि एक पेपर में आ जाता है तो उसको निकाह बना दिया है तो वो लीगल है, वो जो है सिन नहीं है। मगर अगर उसको बगैर उसके कर लोगे तो इट्स अ सिन। यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट में आप जाओ, और यहाँ पे जितने लोग मैरिज में जाते हैं, ज्यादातर मर्द जो है अपनी क्या कहते हैं प्रॉपर्टी लूज की है, इन लोगों ने पैसे लूज कर जाते हैं डिवोर्सेज में। वेयर एज कि अगर आप साथ रह रहे हो तो इतना कुछ नहीं होता है। सो इट्स जस्ट मैरिज भी जो है ना, एक तो तरह से आप ना पैसे वो कमाने की मूवी चीज है। जरूर देखना, वो जो सिद्धार्थ है, शशि कपूर की मूवी है, बहुत पुरानी, वो अच्छा उसकी मूवी जरूर देखना जानने के लिए। अच्छा ओके मैं सर, ठीक है। एक चीज ना पूछना चाहता हूँ, थोड़ा हो सकता है पर्सनल हो, कि आपने कालिदास के चैनल में कमेंट किया था कब? वो कल जो उसके क्या नाम है इमाम अपोजिट इमाम के साथ वो होने वाला था, नहीं, मैं उसमें नहीं किया जाती था? हूँ तो स्ट्रीम पे, मैं किसी की स्ट्रीम पे नहीं जाती हूँ। उनका तो मतलब वो किसी और ने वैसे किया, मतलब हो सकता है कि कोई आपको बदनाम कर रहा है। वहां मैं आपको कोई स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा, उसमें लिखा है कि क्या आप पैसे कम पड़ गए क्या, ये चीज लिखा था। यार, मेरे पास ना टाइम नहीं होता मैं दूसरों की स्ट्रीम में देखूं, क्योंकि नहीं फिर तो मैं, कोई आपको बदनाम कर रहा है पक्का। हाँ, मेरी तो पता कितनी फेक आईडी बना के लोग घूम रहे होते हैं। वहां पे किसी ने बोला था, तो फिर मैं थोड़ा हैरान हो गया, फिर मैंने स्क्रीनशॉट लिया, बाद में डिलीट भी कर दिया। तो मैं वो चीज कंफर्म करना चाहता था कि वो आप ही का है, क्योंकि मैंने ऐसे तो कमेंट करते हुए भाई देखा नहीं। मुझको अपनी स्ट्रीमें सुननी होती हैं, उसमें से कॉल्स वगैरह निकालनी होती हैं, मेरी खुद की अच्छा चार आप ना ब्लॉक घंटे की स्ट्रीमें हटा दो हैं। एक बार, ट्विटर से मैं आपको भेज देता हूँ वो स्क्रीनशॉट, ओके चलो वो ठीक है, किसी ने किया है, वो आपको लगता है कोई ओके बदनाम कर रहा है पक्का फिर तो। करने दो यार, कब से कर रहे हैं बदनाम, तो फिर चलिए प्रॉपर्ली बदनाम भी नहीं करते। चलिए, बहुत बहुत चलो। धन्यवाद।